मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त कैरी संजीव कुमार हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर्स लेके। आज डेट है 22nd of May 2020। सबसे पहले हम जान लेते हैं आज की वीडियो का कंटेंट। सबसे पहले हम जानेंगे इम्पोर्टेंट डे के बारे में, देन करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एंड इन लास्ट मोटिवेशन। इम्पोर्टेंट डे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जनरली क्वेश्चन इंटरनेशनल डे और नेशनल डे से पूछा जाता है। नेशनल डे मीन्स जो हमारी कंट्री नेशनल डे ऑब्जर्व करती है पर्टिकुलर डे पे, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरनेशनल डे से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज दो इंटरनेशनल डे हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम उसी के बारे में जानेंगे। सो जो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डे है वो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और यू मे कॉल्ड वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी डिटेलिंग दी है, बट आपको इस पर फोकस नहीं करना। आपको दो चीज़ों पर ज़्यादा मतलब ध्यान देना है, वो है वो पर्टिकुलर डे किस पे फोकस कर रहा है एंड इस साल की थीम क्या है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन इन्हीं पे पूछा जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि ये डे फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, एंड इस साल की जो थीम है वो है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंथी हो जाए, ठीक है, और आप भी इंटरेस्ट ना रखें इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और वीडियो लेंथी ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले आपके साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। मेनली और जनरली जो एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स आते हैं। ये 14 टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, और मैं करंट अफेयर्स में बताता जाऊँगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ए नोटिफिकेशन एंड स्पेसिफाइड द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट। द पर्सन मस्ट बी रेजिडेंट हाउ मच ईयर टू बी एलिजिबल फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको बताना है कि वो बंदा कितनी देर तक उस स्टेट में रहा होना चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, तभी वो एलिजिबल है, ओके। तो ये जे एंड के गवर्नमेंट ने मतलब इसका एलिजिबल क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कितने ईयर तक वहाँ पे रहा होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, 15 ईयर्स। एंड यहाँ तो उसने 10th या 12th भी अगर जे एंड के से की है तो वो ऑल्सो वो भी एलिजिबल है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हु इज़ द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे एंड के। एंड हमारी जो जे एंड के स्टेट है वो यूटी का बनी थी, वो बनी थी 31st October 2019 में। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारी जे एंड के स्टेट यूटी कब बनी है, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनैलिटी अंडर द 30 ईयर्स बाय यूके बेस्ड द सिख ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, चलो आप लेना हाईलाइटर मैं यूज़ करता हूँ सो आपको आंसर अच्छी तरह पता चल सके। सो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, मनमीत कौर, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सो क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, दिलीप ओमेन, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है मतलब इस पर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो मिनिस्ट्री वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, और न्यू चेयरमैन हो गए किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के या कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेनली वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जे एंड के लॉन्चेस है इनिशिएटिव सुकून, COVID-19 बीट्स द स्ट्रेस टू अवेयर द पीपल अबाउट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स मेजर टू ओवरकम फ्रॉम देम। सो अभी जे एंड के ने मतलब लॉन्च किया एक इनिशिएटिव सुकून, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकल लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, स्ट्रेस ना हो कोविड-19 की वजह से,
ठीक है, उनको अवेयर करने की कोशिश की जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये मतलब अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक से आ जाता है कि मतलब कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, कि मेनली जो कोई हमारी स्टेट गवर्नमेंट है कोई ऐप वेबसाइट पोर्टल कुछ भी लॉन्च करती है, ठीक है, स्कीम या मतलब जिसको हम योजना बोलते हैं, कुछ भी लॉन्च करती है, वो वाले टॉपिक उस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन जो आपको दो दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आपसे ना, जो मतलब आपको बताया जा रहा है कि नाडा सस्पेंड टू पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया फॉर वॉलेंटिंग एंटी डोपिंग रूल्स, ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। तो मैंने आपसे अब ये स्पोर्ट्स वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है इसमें, कि आपसे पूछा था उसपे नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, और अभी जो अंकित सिसोदिया या तो सविता कुमारी है, ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, ठीक है, और मतलब इनको कितने देर तक का इनको मतलब कितनी देर के लिए सस्पेंड किया गया है, ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है। मेनली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से, स्पोर्ट्स वाले से। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है उसके लिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, डीडी व्हीकल सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है। सो मेनली जो ये स्कीम सर्विस जो लॉन्च की गई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेट द्वारा की गई है, ठीक है, और इसका जो पर्पस है वो है कि फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ प्रेग्नेंट वूमेन एंड उनको फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आंसर ए, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, मध्य प्रदेश, एंड करेंटली जो सीएम है हॉनरेबल शिवराज सिंह चौहान है इसकी, ठीक है, सीएम है मध्य प्रदेश की, कौन है, शिवराज सिंह चौहान, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डे इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 मई। और सबसे ज़्यादा टी प्रोडक्शन होती है चाइना कंट्री में, देन सेकंड नंबर पे इंडिया, और इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, वो है असम। 52% ऑफ टी प्रोडक्शन असम में होती है, आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट डे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ये एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी इंडियन सिटीज हैज़ बैग 5-star रेटिंग इन द गार्बेज फ्री सिटीज सर्वे फॉर द ईयर 2019-2020। अब ये टॉपिक कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जो मतलब मेनली सर्वे होते हैं जो ईयरली होते हैं या कुछ सालों बाद होते हैं, वो वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। तो आपको बताना है कितनी सिटीज़ को 5-star दिया रेटिंग दी गई है गार्बेज फ्री सिटीज़, ठीक है, मतलब जो सर्वे हुआ है अभी 2019 से 2020 के बीच में। सो 6 सिटीज़ हैं जिनको मतलब ये 5-star रेटिंग दी गई है, तो उन सिटीज़ का नाम क्या है, नवी मुंबई, इंदौर, सूरत, राजकोट, अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में, एंड मैसूर जो कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, रिमेंबर दिस। विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे हैज़ डेवलप्ड रेल बोर्ड टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर सर्विस टू COVID-19 पेशेंट्स। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है इसका, साउथ सेंट्रल रेलवे। अब ये क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वाले से बन जाता है, और आपको पता है COVID-19 पीरियड चल रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रुशल जो पीरियड चल रहा है COVID-19, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स जो हो रही हैं लॉन्च हो रही हैं, एप्लीकेशन स्टेट और मतलब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाती है। बट मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मी अना पूर्णा इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, ठीक है। सो दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स मेनली टू अपलिफ्ट द फार्मर्स, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, कि मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये कैटेगरी, ये कौन से टॉपिक के कैटेगरी में फॉल करता है, जो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स या वेबसाइट या ऐप और जो भी मतलब लॉन्च की जाती है न्यू चीज़ें, ठीक है, वाले टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बस ये याद रखना है, मी अन्नपूर्णा जो इनिशिएटिव है वो किस स्टेट द्वारा मतलब लॉन्च की गई है, तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है, मोहम्मद इसी।
क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी ठीक है एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व ऑन 21 मई, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट डे की फॉर्म में इंपॉर्टेंट डे वाले टॉपिक से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली पीएम डैश ऑफ लिस्ट्रो रिजाइन फॉर हिज पोस्ट, ठीक है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये भी जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, बट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है बिकॉज ये पीएम किसी कंट्री के पीएम के रिलेटेड क्वेश्चन है, और कौन से ऐसे पीएम है जिन्होंने रिज़ाइन किए हैं और कौन सी पोस्ट से रिज़ाइन किए हैं ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपको आपको पता है ये भी मिनिस्ट्री ठीक है, मिनिस्ट्री मीन्स कि कौन सी मिनिस्ट्री और उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14, एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन 21 मई, ठीक है जो एंटी टेररिज्म डे होता है वो 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है, इस साल ऑब्जर्व किया गया है, वैसे ही अक्टूबर के मंथ में ऑब्जर्व किया जाता था बट इस साल 21 मई को ऑब्जर्व किया गया है ठीक है। दिस डे मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, जो हमारे यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया थे, 40 ईयर की एज में ये पीएम बन गए थे, जो यंगेस्ट पीएम थे हमारे इंडिया के ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंटी टेररिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 मई को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी इंपॉर्टेंट डे की फॉर्म में। आज का क्यूज है जो आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू मोबाइल ऐप कॉल्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास डेवलप्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम नाटा भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है फ्रेंड्स। सो आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो अभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको पूछे भी जा सकते हैं आने वाले डिफेंस एग्जाम्स में ठीक है, क्योंकि अभी ये वाला ईयर तो आपको पता है ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 ठीक है ये ईयर पूरा डिस्टर्ब हो चुका है ठीक है, तो इसलिए पिछले साल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे ठीक है, और इनके आंसर आपको इंस्टाग्राम मेरा जो अकाउंट है ठीक है, हमारी इंस्टाग्राम जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है करंट अफेयर्स की वो है @currentaffairs.upsc ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कीजिए और आपको आंसर भी अवेलेबल हो जाएंगे, हर दिन वहाँ पे करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, आप देख सकते हैं आंसर भी वहाँ पे ओके। एंड इन लास्ट मोटिवेशन की बात करेंगे, एंड मोटिवेशन में आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ कर्नल आशुतोष शर्मा की छोटी सी बायोग्राफी ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी इनकी शॉर्ट में स्टोरी बताऊँगा ठीक है। आपको पता है रिसेंटली ये न्यूज़ में थे क्योंकि ये वीर गति को प्राप्त हो गए हैं ठीक है, आप जो भी डिफेंस एस्पिरेंट होंगे वो इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे अभी ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मई मंथ में 2nd of May 2020 को इनको वीर गति प्राप्त हो गई है ठीक है। तो क्या हुआ था कि फ्रेंड्स की इनको पता चला था कि कुछ टेररिस्ट छुप के बैठे हैं हंडवारा एरिया में ठीक है, बट इनको एग्जैक्ट पता नहीं था कौन से घर पे बैठे हैं, तो ये इन्होंने रेस्क्यू करना स्टार्ट किया, वहाँ पे सिविलियंस को निकाला घर से उनको सेफली, एंड बट इनको पता नहीं था कौन से घर में है, तो जैसे ही ये जहाँ पे टेररिस्ट छुप के बैठे थे उस घर में एंटर होते हैं रेस्क्यू करने के लिए, तो मिलिटेंट्स पोजीशन लेके पहले से बैठे हुए थे, तो उन पे अटैक होता है और हमारे इंडियन आर्मी के 4 जवान शहीद हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, और उनमें से 2 सीनियर ऑफिसर्स थे ठीक है, एंड 2 जवान थे हमारे इंडियन आर्मी के और 1 एक और हमारे जे एन के पुलिस के ऑफिसर थे, सब इंस्पेक्टर थे ठीक है, तो टोटल 5 जवान शहीद हो गए थे हमारे इंडिया के। सो आपको मैं इनकी स्टोरी आपकी जर्नी बता देता हूँ लाइफ की, इनकी जो जर्नी रही है, ये 30th अटैम्प्ट में अपने रिकमेंड हुए थे जो इनका लास्ट अटैम्प्ट था ठीक है। सो इन्होंने 13 बार इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद SSB दी है, तो इससे पता चलता है कितने ये पैशनेट ठीक है और डेडिकेटेड थे, डिफेंस आर्मी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए ठीक है। एंड सेकंड थिंग, इनको 2 बार सेना मेडल मिला है जो बहुत बड़ी बात होती है ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात होती है, ये ग्लेंट्री अवार्ड है जो
सेना द्वारा दिया जाता है ऐसे पर्सन को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट देते हैं हमारे, मतलब इतनी बड़ी बहादुरी हासिल करना, ठीक है, सबकी बस की बात नहीं होती पहली बात तो, ठीक है। ये हमेशा लीड करते थे, जबकि कर्नल या सीओ रैंक के मतलब जो ऑफिसर होते हैं इनको ज़्यादा लीड करने की ज़रूरत नहीं है, इनको प्लानिंग करके अपने जो यंग ऑफिसर होते हैं उनको लीड करने के लिए कह सकते हैं, बट ये खुद लीड करते थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात इनकी ये है, एंड इनको जो फर्स्ट सेना मेडल मिला था वो इनको मिला था इसीलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन ही इंकाउंटर किए थे कश्मीर वैली में, उनके लिए दिया गया था इनको। सेकंड, इनको इन्होंने मतलब क्लोज रेंज में एक मेड एंड को मार के गिराया था, ठीक है, और मतलब अपने जवान को सेव भी किया था, इनकी लाइफ सेव की थी इन्होंने, ठीक है, इसीलिए इनको सेकेंड भी जो सेकेंड सेना मेडल दिया गया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इनकी ब्रेवरी की दाद देनी पड़ेगी। जो इनका लास्ट व्हाट्सएप जो स्टेटस था ना, उसको सुन के आप भी मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ। तो इससे पता चलता है ये कितने ब्रेव थे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मोटिवेशन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जय हिंद, बी फिट, वर्क हार्ड, वंदे मातरम। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मी पर्सनली, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है @sanjeet.ig, एंड यूज़र नेम इज़ @संजीत कुमार। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन के रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू नो मी पर्सनली आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड टिल देन आपको मैं कल फिर मिलूँगा, टिल देन बी फिट, वर्क हार्ड, वंदे मातरम।